हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। और यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 पहले से अपलोड किया जा चुका है, करवाया जा चुका है। तो जिन्होंने उस सेट को सॉल्व ना किया हो, सो प्लीज आप उस सेट को सॉल्व कर लें और कंटिन्यू हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन के लिए बने रहें, जिससे कि आप लोग डेली इन सेट को सॉल्व करें। और जो एग्जाम का पैटर्न है वो यही है, इसी तरह के आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। आप इनको बहुत गंभीरता से लें। और सेकेंडली, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़ें प्लीज। और पीडीएफ हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। आंसर पीडीएफ में इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि आप पीडीएफ को बिना आंसर देखे सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखें। तो पहला क्वेश्चन, जो कि सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए, अधिकारी कर्तव्य का संबंध बताइए किससे है, कौन सा सुमेलित है, किस अधिकारी का कौन सा कर्तव्य होता है, इस बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है और सारे मोस्टली क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं और इसी तरह का अब एग्जाम पैटर्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास मिलें। और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिले और शेयर करने से आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन को, इस टेस्ट को ज्वाइन करें। तो चलिए, अब हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अमीर ए हाजिब का दरबारी शिष्टाचार, वारिद ए मुमालिक का दाज विभाग का अध्यक्ष, सरजनदार जासूसी का प्रभारी, या दीवान ए बंदगान सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसके लिए जो आज का सही आंसर होगा वो ये है, अमीर ए हाजिब जो होता था वो दरबारी शिष्टाचार होता था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक जरूर कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? चार ऑप्शन है, आप लोग इसके आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अकबर, रॉल्फ फिच, दारा शिकोह, मनुची, जहांगीर, सर टॉमस रो या शाहजहां जूनी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्य, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगी। हाँ, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए, दूसरा कारण है। कथन ए क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा, कारण क्या था, क्यों नहीं स्वीकारा? अब बताइए, खलीफ मिदा के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिदा के शासन की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आने लगे हैं, तो आप लोग इन्हें सॉल्व करें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर बनाएं। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पीडीएफ इसका आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए, 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, क्या कारण था, क्यों बन गया था? कारण है, साहू की उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थी। अब चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, कथन है, मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में
वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कारण, सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। उपरोक्त दो वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। एक बार समझते हैं, मुगलकालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कारण यह था कि सूती वस्त्रों के निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। ये आर इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने कुछ वक्तव्य और कथन कथन वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। कथन ए है, मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। कारण था, खलीफा मिर्जा के शासक के बंदी थे। 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। आप लोग, बताया था मैंने कि NCERT की बुक्स पढ़िए 12th तक की, तो ज्यादा क्लियरली आप लोग सारे ऑप्शंस के रिप्लाई दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। तर्क, जागीरदारी व्यवस्था की में संकट की स्थिति थी। अधोलिखित संकेतों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, अगर चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ज्यादा इजी क्वेश्चन अब नहीं आते हैं एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। इसलिए तैयारी के लिए एकदम आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हैबिचुअल बनना होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कारण और एक को दूसरे को आर कहा गया है। जो कारण है उसको आर कहा गया है। कथन है, मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थीं। कारण, स्वर्ण मोहर चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन सही कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कथन, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ऑप्शन कौन सा सही है? कथन और कारण में बताइए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए, कथन, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में दिए गए कथन ए और बी के व्याख्यान को पढ़ें, निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारियों भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ए एवं बी दोनों सही हैं। जब आप लोग डीपली NCERT पढ़ेंगे तो आप लोगों को हर ऑप्शन क्लियर होगा। फिर से बता दूं कि NCERT की स्टडी कीजिए। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्पीड से चलेंगे। गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने या तेग बहादुर ने? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 12 का सही आंसर होगा, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न,
मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्वास, सूबा या सरकार? तो सही आंसर है, मुगल प्रशासन को के दौरान जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में क्या अंतर था? गज सिकंदरी तथा गज इलाही में 1939:41 का अंतर था। ये नाप के एक पैमाना हुआ करते थे, जो गज सिकंदरी और गज इलाही है। गज सिकंदरी सिकंदर ने चलाया था और गज इलाही अकबर ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जन देव। तो देखिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से गुरु अर्जन देव ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु रामदास ने या गुरु तेग बहादुर ने? क्वेश्चन नंबर 16। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन सही होगा हेमू। देखिए, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला विक्रमा की दित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था हेमू। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो सही आंसर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी आगरा में, इंदौर में, उज्जैन में या जोधपुर में? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन में। अगला प्रश्न, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा या हेमू? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। लाइक कर दीजिए प्लीज, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, चार ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगी इन चारों ऑप्शन को, सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो या साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? दिल्ली में जो खगोली वेधशाला है, जिसे अब जंतर मंतर कहा जाता है, ये किसने बनवाई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा, अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जय सिंह द्वितीय ने? सही आंसर होगा जय सिंह द्वितीय ने। देखिए, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस। अगला प्रश्न, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई फारस से, अरब से, मध्य एशिया से या भारत से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका शवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य है नहीं है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था,
मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था। मनसबदारों को सशर्त या मश्रुत पद भी प्राप्त होता था। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें उस समय नहीं जो पूछा गया है इसको अंडरलाइन कर ले तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनसबदारों के संपूर्ण आय के दावे में एक चौथाई की कटौती अमीरों के निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी थी, खानाजात, राजपूत, विदेशी या दक्कनी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजपूत। अगला प्रश्न है, मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता था? घुड़सवार, सैनिक, हाथियों या घोड़ों। सही आंसर है ऑप्शन बी, मनसबदार में जात से सैनिकों की संख्या का अभिप्राय होता था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी संस्था अनुवांशिक थी, नामांकन द्वारा थी, चयन भर्ती द्वारा थी या शासकीय नियुक्ति द्वारा थी? तो मनसबदारी संस्था शासकीय नियुक्ति द्वारा होती थी। अगला प्रश्न, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? 29 का सही आंसर है, बताइए, अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फारस। तो सही आंसर होगा इसका मंगोलिया। अगला प्रश्न, मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे? सम्राट, मीरबख्श, आमीर या निकटतम उच्च पदाधिकारी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरबख्श। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो आज का सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 था वो आज कंप्लीट होता है। और सेट 1 के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, पीडीएफ में सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और कंटिन्यू रहिएगा ताकि डेली जो आप लोगों के लिए सेट आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के, सिलेक्टेड क्वेश्चन के जो सेट आएंगे वो आप लोगों को मिल सके। और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और बताएं कि क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो कैसा है और आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए कितना यूजफुल साबित होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए सक्सेस मंथ के साथ। ऑल द बेस्ट।